लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूर्वांचल में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक सोमवार को गोरखपुर पहुंचे और 64 लोकसभा गोरखपुर क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने आने वाले चुनाव में सशक्त तरीके से पार्टी को आगे ले जाने के लिए विचार विमर्श किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक ने कहा, अभी से रही है पार्टी की ओर ये समीक्षाएं चल रही है, करेंगे उसके बाद, समीक्षा के बाद हमारे सभी जी आने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टि से गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारी कांग्रेस पार्टी की जो गतिविधियां है, हमारे संगठन की जो गतिविधियां है, उसकी समीक्षा करने के लिए मैं आज यहां आया हूं। और सभी हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, सभी हमारे फ्रंटल कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, उनसे बातचीत करके आने वाले समय में हम कैसे सशक्त तरीके से इस चुनाव के आगे जाएंगे, उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है, गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे। नहीं, अभी उन्होंने बात रखी है इसके बारे में और वो विस्तार से बात रखी है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसमें मुझे और कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है पार्टी को? ठीक है, वो तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं रही है, तो निश्चित तौर पर है कि अभी आने वाले समय में हमें इस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है और उस दिशा से हम सब लोग सभी लोगों से विचार विमर्श करके जो है वो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। कोई दिशा निर्देश दिया? हाँ बिल्कुल, कि जहाँ पे इस चुनाव को देखते हुए हमारा जो पोलिंग बूथ कमेटी का जो फॉर्मेशन है उसको लेके बातचीत हो रही है, उसमें जो सुधार की आवश्यकता है वो सुधार किया जा रहा है, फिर उनका हम लोग प्रशिक्षण भी करेंगे और उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम हर बूथ पे जो है उसका कैंपेन करेंगे।